वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। ये दास सर की क्लास और आप देख पा रहे होंगे दास सर का। सर आज क्या क्या होना है? आज ये कंप्रेशर आया हुआ है आउटडोर, ये वॉल में लीकेज है, ये पूरे में ऑयल आ रहा है, तो अपन आज ये वॉल चेंज करेंगे। अच्छा, वॉल में लीकेज है, पहले भी इसको टेफ्लॉन लगा के टाइट किया गया है, लेकिन ये लीकेज है, तो अपन आज ये दोनों चेंज करेंगे। नाइट्रोजन डाल के अपन ने कंप्रेशर भी देखा। सर ये बता दीजिए क्या क्या है इसमें? अपन ने सबसे पहले ये नाइट्रोजन डाला, नाइट्रोजन डाल के अपन ने इसका प्रेशर चेक कर लिया कि मशीन में और कहीं लीकेज तो नहीं है। ठीक है, इंडोर कॉइल, कूलिंग कॉइल, पाइप, हर जगह से सब सही है, बस वॉल में से लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन, ये एलपीजी सिलेंडर है और ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसमें ये इससे अपन ज्वाइंट लगाएंगे बच्चों से ब्रेजिंग करने का। और ये ऑक्सीजन है? ये ऑक्सीजन। इसमें सब मीटर वगैरह दिया हुआ है? सब मीटर दिया हुआ है, तो मतलब इसको पूरा ए टू जेड बच्चों को आज कराएंगे। जी जी। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से क्लासेस में सर ये काम करा रहे हैं। चलिए अगली लैब में चलते हैं, इनको बढ़ने देते हैं। अगली लैब में मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये देख पा रहे होंगे आप, ये मोबाइल के बैचेस। ये मोबाइल के बैचेस में दीपक सर स्कीमेटिक पर पूरा काम कराते हो। यहाँ से बी बस के वोल्टेज, ये वाले आप बी बस के वोल्टेज पे एक डायोड यहाँ पे उठाते ये अपना मोबाइल की क्लास। और अब हम चलते हैं टीवी की क्लास में, तो देखते हैं टीवी की क्लास में सर ले रहे हैं। आपको बेक लाइट सेक्शन नहीं है, इसमें सीधा 12 जाएगा, 12 से 5 जाएगा, 5 से 3.3 जाएगा, 3.3 से 1.8 जाएगा। बाकी इसमें बेक लाइट का तो है नहीं सेक्शन, दिख रहा है कहीं? इसके लिए हम क्या यूज देंगे? बेक लाइट इन्वर्टर। इसके साथ हमेशा बेक लाइट इन्वर्टर यूज लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी इस बोर्ड में आपका प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। ठीक है, बाकी इसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, बैकलाइट सेक्शन भी इसी में दे रहेगा। अगर आप मान लो बाय चांस ये रिवर्स वोल्टेज है, बैकलाइट सेक्शन आपका कौन सा है, ये वोल्टेज यहां से घूमकर आएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।